नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द नर्सिंग ऑर्बिट में। वो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कैथेटर। आज हम कैथेटर के टाइप्स को थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ेंगे। पहले इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारे कैथेटर्स की प्लेसमेंट और जो उनकी पोजीशन होती है उसके हिसाब से इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो हमारे कैथेटर के जो शेप होती है और उसके फंक्शंस होते हैं उनके हिसाब से इनके कौन कौन से टाइप्स हैं। और इनको पढ़ने के बाद हम एक बार इनकी इमेजेस को देखेंगे जिससे आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारी वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक टाइप्स ऑफ कैथेटर। तो पहले हम बात करते हैं कि जो इसकी प्लेसमेंट ऑफ कैथेटर की और इनकी पोजीशंस होती हैं उनके हिसाब से इनके टाइप कौन से हैं कि कहां पर ये कैथेटर प्लेस किए जाते हैं। तो इसमें हमारे मेनली टू टाइप हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल मीन्स जो हमारे अंदर ब्लैडर में जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर होता है वहां पर प्लेस किए जाते हैं, और एक्सटर्नल जो हमारे बॉडी के बाहर जो हमारी यूरेथ्रा होता है उस पर प्लेस किए जाते हैं। अगर हम इंटरनल की बात करें तो इसमें हमारे दो तरह के आते हैं। पहला है इंडवेलिंग कैथेटर और दूसरा है इंटरमिटेंट। अगर हम बात करें इंडवेलिंग कैथेटर की तो जो हमारे इंडवेलिंग कैथेटर होते हैं ये हमारे लॉन्ग टर्म के लिए यूज किए जाते हैं। मीन्स एक बार इसको हम प्लेस कर देते हैं, प्लेस इन ब्लैडर फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम्स। इसको अगर हम एक बार प्लेस कर देते हैं तो जब तक हमारा पर्पस पूरा नहीं हो जाता तब तक इसको ब्लैडर के अंदर छोड़ दिया जाता है पीरियड ऑफ टाइम। और इसको हम दो रूट्स के द्वारा इंसर्ट कर सकते हैं। एक होता है इसमें हमारा जो इसके रूट हैं, पहला होता है इसमें बाय यूरेथ्रल, मींस हम इसको यूरेथ्रा के रूट के द्वारा इसको ब्लैडर में डाल सकते हैं। और अगर हमारी यूरेथ्रा में कोई भी ब्लॉकेज है या कोई भी यूरेथ्रा ट्रोमा है तो हम इसको बाय सुप्रा प्यूबिक, मींस डायरेक्ट जो हमारा एब्डोमिनल होल है वहां पर एक होल बनाकर डायरेक्ट हम ब्लैडर के अंदर इसको डाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम इंटरमिटेंट कैथेटर की। इसका एक दूसरा नाम होता है जिसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म कैथेटर, मींस इसको हम शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर हमारे पेशेंट का ब्लैडर फुल हो गया है तो हम जो इंटरमिटेंट कैथेटर है उसको इंसर्ट करेंगे, और जब हमारा जो यूरिन है वो बाहर आ जाता है, यूरिन बैग में आ जाता है तो हम इसको वापस से रिमूव कर देंगे। मीन्स इसको बस एट द टाइम जो हमारा पर्पज होता है उसके लिए यूज करते हैं, या फॉर फ्यू आवर्स, यूज फॉर फ्यू आवर्स। अगर इसके भी अगर हम डिटेल में पढ़े तो इसके भी हमारे दो टाइप होते हैं। एक होता है हाइड्रोफिलिक इंटरमिटेंट और एक होता है नॉन हाइड्रोफिलिक इंटरमिटेंट कैथेटर। हम बात करें हाइड्रोफिलिक की तो इसमें जो हमारा सरफेस होता है कैथेटर का वो होता है कोटेड बाय स्लिपरी सरफेस। जो इसका सरफेस होता है वो स्लिपरी एक ऑइंटमेंट या जो भी हमारी लेयर होती है उससे कवर होता है, जिससे हमें जो हाइड्रोफिलिक कैथेटर है उसको रिमूव करने या इंसर्ट करने में आसानी रहती है। और जो हमारा नॉन हाइड्रोफिलिक होता है वो नॉन कोटेड होता है, मींस उसमें कोई भी ऐसी लेयर नहीं होती जो हमारी स्लिपरी सरफेस बनाए। तो ये है हमारे इंटरमिटेंट के टाइप्स। अब दूसरा हमारा एक्सटर्नल कैथेटर। जो एक्सटर्नल कैथेटर होते हैं वो हमारे डायरेक्ट जो यूरेथ्रा होते हैं बाहर उस पर प्लेस किया जाता है, और इसका जब एग्जाम्पल है तो वो होता है कंडोम कैथेटर, जो कि मोस्टली हमारा जो मेल्स होते हैं उनमें यूज किया जाता है, यूज मोस्टली इन मेल्स।
अब हम इसके टाइप्स को पढ़ेंगे जो हमारी कैथेटर्स की शेप होती है और उनके फंक्शंस होते हैं उनके हिसाब से। तो इसमें जो हमारा पहला आता है वो है कॉर्डल और इसका दूसरा नाम है कर्व कैथेटर। जो हमारा कॉर्डल कैथेटर होता है इसकी जो टिप होती है वो स्लाइटली बेंड होती है, स्लाइटली बैंड टिप, जो आगे से इसकी टिप होती है वो स्लाइटली बैंड होती है और इसको हम यूज करते हैं यूज इन सर्जरी ऑफ TURP। TURP मीन्स ट्रांसलेटरल रिजेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, मीन्स जो हमें हमारा जो प्रोस्टेट रिमूव करने की जो सर्जरी होती है उसके दौरान हम कॉर्डल कैथेटर को यूज करते हैं। इसके बाद आता है हमारा मेलकोट कैथेटर, मेलकोट कैथेटर जिसका दूसरा नाम है पेजर मस्क्यूम कैथेटर। जो हमारा मेलकोट कैथेटर होता है वो टाइप है हमारा जो सुप्रा प्यूबिक कैथेटर है जो हमारे डायरेक्ट एब्डोमिनल में होल करके जो हमारे ब्लैडर में इंसर्ट किए जाते हैं उसका एक टाइप है मेलकोट कैथेटर, टाइप ऑफ सुप्राप्यूबिक कैथेटर, और इसको हम यूज करते हैं मेनली यूज इन ब्लैडर और रीनल सर्जरीज। जो हमारी किडनी की और जो हमारी ब्लैडर की सर्जरीज होती है उसके दौरान हम यूज करते हैं मेलकोट कैथेटर जो कि हमारा सुप्राप्यूबिक कैथेटर का एक टाइप है। इनकी हम जब टिप देखेंगे तो इनको और अच्छे से समझ लेंगे। अगला आता है हमारा कंडोम कैथेटर जो कि हमारा एक एक्सटर्नल कैथेटर का टाइप है और इसी का एक दूसरा नाम है टेक्सस कैथेटर। जो हमारा कंडोम कैथेटर और टेक्सस कैथेटर होता है ये हमारे यूज होता है इन नियोनेट्स। अगर हमें नियोनेट्स में यूरिन सैंपल लेना होता है इन नियोनेट्स फॉर यूरिन सैंपल तो उसके लिए हम यूज करते हैं टेक्सस कैथेटर यूरिन सैंपल। और अगर किसी भी ओल्ड एज में अगर किसी पेशेंट को ड्रिबलिंग यानी कि यूरिन इनकंटिनेंस प्रॉब्लम है तो उसमें भी हम यूज कर सकते हैं कंडोम कैथेटर और टेक्सस कैथेटर इन ओल्ड एज ओल्ड पेशेंट इन प्रॉब्लम ऑफ यूरिन इनकंटिनेंस। अगला है हमारा स्ट्रेट कैथेटर, स्ट्रेट और जिसका दूसरा नाम है रॉबिन्सन कैथेटर, स्ट्रेट और रॉबिन्सन कैथेटर। यह हमारा टाइप है जो हमारा शॉर्ट टर्म कैथेटर्स थे उसका एक टाइप है, मीन्स ये हमें टेम्परेरी रिलीफ के लिए यूज करते हैं। अगर किसी पेशेंट को यूरिन इनकंटिनेंस है तो उसको टेम्परेरी रिलीफ देने के लिए हम इसका यूज करते हैं यूज इन यूरिन इनकंटिनेंस और टेम्परेरी रिलीफ। और इसको हम एक जगह और यूज कर सकते हैं जो कि हमारा जो पैरासिंथेसिस का प्रोसेस होता है अगर उससे पहले हमें यूरिनरी जो ब्लैडर है उसको खाली करना है या उसको एम्प्टी करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्ट्रेट कैथेटर। अब हमारा आखिरी जो लास्ट है वो है फॉलीज कैथेटर जो कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है और यह हमारा मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में, मोस्ट कॉमनली यूज्ड। अगर इसके मटेरियल की बात करें तो यह हमारा दो तरह के मटेरियल से बना होता है जिसमें पहला है लेटेक्स और दूसरा है सिलिकॉन। जो हमारा लेटेक्स होता है वो होता है मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन सर्जरीज, जो हमारी सर्जरीज होती है उनमें मोस्ट कॉमनली यूज होता है लेटेक्स पॉलिश कैथेटर। और जो इसका टाइम ड्यूरेशन होता है वो है
28 डेज। और अगर बात करें हम सिलिकॉन पॉलिश कैथेटर की, तो ये हमारा मोस्टली यूज होता है न्यूरो और कोमा पेशेंट्स के लिए। जो हमारे न्यूरो और कोमा पेशेंट होते हैं उनके लिए यूज करते हैं हम सिलिकॉन पॉलिश कैथेटर। और इसका टाइम ड्यूरेशन है 90 डेज। इसका टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है इसीलिए हम यूज करते हैं इसको न्यूरो और कोमा पेशेंट के लिए। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो इसमें हमारे तीन तरह के पॉलिश कैथेटर हैं। पहला है सिंगल ल्यूमन, दूसरा है डबल ल्यूमन और तीसरा है ट्रिपल ल्यूमन। जो हमारा सिंगल ल्यूमन होता है उसको हम मेनली यूज करते हैं फॉर टेम्पररी रिलीफ, मीन्स शॉर्ट टाइम के लिए हम सिंगल ल्यूमन पॉलिश कैथेटर को यूज करते हैं। और जो हमारा डबल ल्यूमन है उसको यूज करते हैं हम ड्यूरिंग सर्जरीज। अगर सर्जरीज के टाइम पर हम यूज करना तो उसको हम करेंगे डबल ल्यूमन पॉलिश कैथेटर। और जो हमारा ट्रिपल ल्यूमन पॉलिश कैथेटर होता है उसको हम यूज करेंगे ड्यूरिंग इरिगेशन। अगर हमें कोई इरिगेशन या जैसे ब्लैडर इरिगेशन करना है उसके लिए हम यूज करेंगे ट्रिपल ल्यूमन पॉलिश कैथेटर। तो ये थे हमारे कैथेटर के टाइप्स। अब हम एक एक करके इनकी इमेज देखेंगे जिससे आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखिए इसमें सबसे पहला आता है हमारा पॉलिश कैथेटर। इसमें इसके तीन टाइप्स हैं। पहला है सिंगल ल्यूमन जो ये नीचे वाला है, फिर हमारा डबल ल्यूमन और ऊपर हमारा ट्रिपल ल्यूमन जो कि इरिगेशन के लिए काम आता है। अगला है हमारा, ये है हमारा कोडल कैथेटर। देखिए इसकी जो टिप है वो थोड़ी सी बेंड होती है और इसमें कर्व होता है, इसीलिए इसको कर्व कैथेटर भी कहा जाता है। अगला है हमारा कंडोम कैथेटर जो कि हमारा बच्चों में और ओल्ड पेशेंट के लिए यूज किया जाता है जिसको ड्रिबलिंग या यूरिन इनकंटिनेंस की प्रॉब्लम होती है। अगला है हमारा मेलकोट कैथेटर जो कि हमारा रीनल और जो ब्लैडर सर्जरीज होती हैं उसके लिए यूज किया जाता है। और अगला है हमारा स्ट्रेट कैथेटर जो कि हमारा शॉर्ट टर्म के लिए यूज किया जाता है और जो भी हमारा छोटे टाइम के लिए प्रोसीजर होता है उसके लिए वन टाइम यूज किया जाता है। आपका हमारी वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें।